हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर आरएएस में। आज हम राजस्थान जीके सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका पार्ट थ्री हम आपके लिए जो है लेकर के आए हैं। इससे पहले जो पार्ट टू आए हैं उनको आप ज़रूर से देखिए। पार्ट फर्स्ट जो है उसके अंदर आपको राजस्थान का बेसिक टू बेसिक जीके जो है आपको बताया गया है, और उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में बताया गया है। दोनों से ही हर एग्ज़ाम में, चाहे आरएएस हो, चाहे आरपीएससी के अदर एग्ज़ाम्स हो, चाहे टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स हो, तो प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में ये जो थर्ड सीरीज़ है ये कल्चर की सीरीज़ है, राजस्थान का कल्चर, ठीक है। उस कल्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आज लोक देवता, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और हो सके तो नोट्स भी अपने फॉर्मुलेट कर लें। और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी में से पढ़ें, क्योंकि कारण ये है कि आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और कुछ प्लेसेस के बारे में ध्यान रखना है। उनको मैंने जो है इंग्लिश में ही साइड में लिख दिया है और मैं बताती भी जाऊंगी कि आपको कौन से वर्ड का इंग्लिश में आपको क्या ट्रांसलेशन होगा। तो आप जो है इंग्लिश में भी अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो साइड में आप जो है इंग्लिश में ही मेंशन करते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम जो लोक देवताओं के बारे में पढ़ने आगे जा रहे हैं, इन पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। ये दोनों ही सिलेबस के आपके महत्वपूर्ण भाग हैं। और क्वेश्चन जो है, देखिए लोक देवता में व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है, हमारे जो डीटीज़ हैं, जो देवता हैं उनके नाम हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के नाम के बारे में याद करते हैं तो आप कैसे याद करते हैं, भाई उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, अगर उनके कोई चेले थे, डिसाइपल्स थे तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर उन्होंने कोई किताब लिखी तो पता होना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से जो है उनको लोग पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये सब एक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप जब भी कोई चीज़ को पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कहानियाँ बहुत सारी हैं, कहानियाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा, जैसे गोगा जी की है तो गोगा जी की पूरी कहानी है महमूद गजनवी के साथ में, उनका जो युद्ध हुआ, उसके बाद में उनकी शीश अलग गई और धड़ अलग दूसरी जगह पे गया, उसकी पूरी कहानी है। लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे सिर्फ जो है उनको ये नाम किसने दिया, जहार पीर वो क्यों कहलाते हैं, ये इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उनका शीश गिरा उस स्थान को क्या कहते हैं, तो ये इस प्रकार से जो है प्रश्नों का फॉर्मुलेशन होता है। तो आप जो है कई किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर जो है कहानियाँ ज़्यादा दे रखी हैं, उनको पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है हमको सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में जो है बना करके चलें और ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। एक व्यक्ति के बारे में आपको 5-10 चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या थे, इन्होंने कैसा क्या काम किया जिसकी वजह से ये जो है फेमस हुए, इनकी लोग पूजा करने लगे। और तीसरी चीज़ ये है कि परीक्षा की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल इनके ऊपर बनते हैं। हम सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो को आप जो है देखिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनके आप नोट्स जो है फॉर्मुलेट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, इंग्लिश में कहते हैं फोक डीटीज़ ऑफ राजस्थान। इनके मंदिरों को देखिए क्या कहते हैं, इनके मंदिरों को कहा जाता है थान, किसी के मंदिर को देवरा भी कहा जाता है और किसी के मंदिर को चबूतरा भी कहा जाता है। इन सभी को इंग्लिश में भी आप ऐसे लिखेंगे, देवरा, खान, थान और चबूतरे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोक देवता और भगवान में क्या अंतर है। भगवान तो आप जानते हैं कि भाई ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, विनाश करने की शक्ति भी उनके पास में है और अनंत से जिनका जन्म हुआ है। लोक देवता क्या होते हैं, लोक देवता का अर्थ ये हुआ कि ऐसे असाधारण मनुष्य जिन्होंने जो है मनुष्य के रूप में जन्म लिया और इंसानों की रक्षार्थ या फिर गायों की रक्षार्थ या फिर इंसानियत और भाईचारे के लिए या फिर जो है फॉरेन जो आक्रमणकारी हैं, यानी कि जो विदेशी आक्रांताएँ हैं, आक्रांता जो थे उनसे हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे लोगों की रक्षा की। तो जिन लोगों की उन्होंने रक्षा की उस क्षेत्र में वो प्रचलित हुए, उनको पूजा जाने लगा और उनको भगवान मान करके जो है लोगों ने पूजा करना शुरू किया, तो उनको हम कहते हैं लोक देवता, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लोक देवताओं के अंदर पंच पीरों का नाम सबसे पहले आता है। पंच पीर का मतलब होता है पांच पीर, पांच ऐसे लोक देवता हैं जिनको कि पंच पीर कहा जाता है। उनके नाम आपको अच्छे से कंठस्थ करने हैं कि ये पांच पीर कौन कौन से हैं, क्योंकि डायरेक्टली परीक्षा में सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा पंच पीर में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपको 15 नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 15 लोक देवता ऐसे हैं जिनके बारे में, जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए लोक देवताओं के जो पंच पीर हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। पंच पीर में देखिए कौन कौन से लोक देवता आते हैं,
उनमें आते हैं सबसे देखिए पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी। तो ये 5 लोक देवता हैं, इनको आप कंठस्थ करके रखिएगा। अगर आपको मारवाड़ी अगर आपकी अच्छी है तो हो सकता है आप इस दोहे से भी जो है इस चीज़ को समझ जाएं। देखिए लिखा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। तो इसके अंदर सारे पंच पीरों के आपके नाम जो है दे रखे हैं। तो अगर आप ये याद रख सकते हैं तो वैसे आप याद रख लीजिए, वरना आपको नाम तो याद रखने ही हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम रामदेव जी यानी पंच पीरों के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से लगभग आते हैं। पहला है आपके रामदेव जी, रामदेव जी तंवर, ठीक है। इनको जो है भगवान कृष्ण का जो है अवतार कहा जाता है। अवतार को इंग्लिश में कहते हैं इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इनके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे आपका भी अलग अलग नाम होता है घर में, वैसे इनका भी देखिए अलग अलग नामों से इनको लोग जानते हैं, जैसे कि रामसा पीर, रूणीचारा धनी, बाबा रामदेव, इस प्रकार से इनके 3 नाम हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए ये जो है जाति से तंवर राजपूत थे, हालांकि जाति कहीं पर भी नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक जस्ट फॉर द नॉलेज, क्योंकि बुक में लिख रखा है हमें भी पढ़ लेना चाहिए। इनके माताजी का नाम था मैणा दे, ये दे जहाँ पर लगता है इसका मतलब जो है वो फीमेल होती हैं, तो ये मैणा दे इनके माताजी का नाम था, और पिताजी का नाम था अजमल, ठीक है। और ये पोकरण के सामंत थे, पोकरण कहाँ है, जैसलमेर में, ये पोकरण के सामंत थे, ठीक है। और इनकी पत्नी जो थी वो अमरकोट की राजकुमारी थी, अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है अभी, और इनका नाम था नेतल दे, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो है इनके गुरु का नाम था, गुरु के नाम भी अभी मैं बता देती हूँ आपको, इनके गुरु जो थे वो थे आपके बालीनाथ, ओके। नेक्स्ट अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ उंडू गांव में, उंडू गांव कहाँ है, बाड़मेर, बाड़मेर में जो शिव तहसील है वहाँ पर, ये उंडू गांव है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म जिस दिन हुआ था उसको कहते हैं बाबारो बीज, यानी बाबारी दूज जो है उसको कहा जाता है, दूज मतलब होता है द्वितीय। इनका जन्म आप को ये तिथि जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को जो है इनका जन्म हुआ था 1405 में, ठीक है। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी भाद्रपद सुदी एकादशी, एकादशी यानी कि 11 को, ठीक है। और कहाँ ली थी, रूणीचा में, रूणीचा कहाँ पर है आपके, जैसलमेर के अंदर पोकरण में, और वहाँ पर राम सरोवर के अंदर, ठीक है। और इसी दिन जो है इनके इस समाधि वाले दिन ही जो है यहाँ पे मेले लगते, मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और मेले के समय यहाँ पर जो है एक जागरण होता है जिसको कहा जाता है जम्मा, आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मा क्या होता है, तो जम्मा जो है जागरण होता है, रात्रि जागरण होता है, जो कि इनके मेले के समय किया जाता है। अब देखिए मेले में और आकर्षण क्या है कि यहाँ पर जो है 13 ताली नृत्य किया जाता है, और कौन सी जाति करती है, कामड़ जाति के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पे 13 ताली नृत्य करते हैं। अब आप यूट्यूब पे जाएंगे और देखेंगे कि 13 ताली नृत्य किस प्रकार का होता है, जिससे कि आपको दिमाग में आइडिया रहे, ठीक है। तो ये मेला बहुत अच्छा होता है, उसका आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, और देश में जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ तक से जो है इनके भक्त जो हैं यहाँ पर आते हैं, रामदेवरा आते हैं। इसके बारे में अगर आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा जो है सड़कों पर भी रश रहता है जब रामदेव जी के लिए जो है रवाना होते हैं लोग। तो आप देखिए कि वहाँ पर जो है 13 ताली नृत्य जो है कामड़ जाति के लोग जो हैं परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये मेले का आकर्षण है यहाँ पे कम्युनल हारमोनी, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव। यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, यानी कि ये जो है एक कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का जो है एक मेला कहा जा सकता है। देखिए इनके गुरु थे बालीनाथ, और इनकी अनन्य भक्त थी डालीबाई, ठीक है, जिनकी समाधि भी जो है रामदेव जी के पास में बनी हुई है, ठीक है। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जो है समाधि ली थी। और रामदेव जी देखिए एकमात्र ऐसे पंचपीर हैं जिन्होंने, जो कि कवि भी थे, और उन्होंने जो है 24 बाणिया नामक ग्रंथ जो है वो लिखा है। अब इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि इनके जो मंदिर होते हैं वो होता है एक खुला चबूतरा होता है, जिसमें एक ताक होता है, ताक आप जानते हैं, आला या ताक, जिसमें कि जैसे कि हम गांव के पुराने मकान में भी तो आले और ताक होते थे जिसमें हम सामान रखते थे, उस प्रकार से जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो है खुला चबूतरा या आला या ताक। और इनके जो है पीले पगले, पगले का मतलब होता है फुटप्रिंट्स, जो पाँव के निशान होते हैं, उनकी जो है पूजा की जाती है। और इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं, मेघवाल एक जाति है,
उनके जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। डाली बाई जो थी वो भी मेघवाल थी, ठीक है। तो मेघवाल भक्त जो होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिखिया क्या होता है। उसके बाद में आप देखिए कि इनके जो इनका जो घोड़ा है उसका नाम था लीला, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका है, एक मूवी भी है राम और लीला, आप जानते हैं रामलीला मूवी है, तो आप इससे ध्यान रखिएगा रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या है, लीला। और मंदिर को जो है इनके मंदिर को कहा जाता है देवरा, क्योंकि हम बोलते हैं ना राम देवरा जा रहे हैं हम, तो राम देवरा यानी कि इनके मंदिर को कहते हैं देवरा। और वहाँ पर जो इनकी ध्वजा फहराई जाती है, ध्वजा का मतलब होता है जो झंडा होता है, उनको जो जातरु होते हैं जो वहाँ जाते हैं वो भी उस झंडा को जो है लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नेजा, ठीक है, नेजा फहराई जाती है। और इन्होंने जो है कांवड़िया पंथ जो है उसको शुरू किया था, और राम सरोवर जो पोखरण के अंदर है उसका जो है पुनरुद्धार भी किया था, तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। और ये देखिए, ये अगर आप घर में तो कई लोग पूजा भी करते हैं, जो ना जानते हों वो एक पिक्चर है आप देख करके इनको, ये रामदेव जी की पिक्चर है, ये इनकी घोड़ी है जिसका नाम है लीला, और ये जो है नेजा है जिसको कि फहराया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो हमारे पीर हैं उनका नाम है गोगा जी, जिनको कि जाहर पीर कहते हैं और या फिर डी टी ऑफ स्नैक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डी टी ऑफ स्नैक्स, हिंदी में कहते हैं जाहर पीर या फिर गोगा बप्पा, ठीक है। और ये जो थे चौहान थे, गोगा जी चौहान। अब देखिए इनका जन्म जो है 11वीं शताब्दी के अंदर चूरू के ददरेवा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह और माताजी का नाम था बाछल, ठीक है। इनका जन्म स्थान कौन सा है, ददरेवा चूरू, जिसको कि अब जो है कहा जाता है शीर्ष मेड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका शीर्ष गिरा था तो इसलिए इसको कहा जाता है शीर्ष मेड़ी। और इनका समाधि स्थल जो है वो है आपका गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़ के नोहर में, नोहर हनुमानगढ़ में जो है इनका समाधि स्थल है, जिसको कि हम कहते हैं गोगा मेड़ी या फिर धुर मेड़ी, ठीक है। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था उसी समय जो है यहाँ पर मेला भी लगता है। इनका जन्म जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, और वहीं पर जो है गोगा नवमी मनाई जाती है, ठीक है। मेला भी बढ़ता है यहाँ पे गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, नोहर हनुमानगढ़ में, वहाँ पर जो है मेले का आयोजन होता है। अब देखिए इनको जो है सर्पदंश का देवता कहा जाता है, जैसे कि सांपों के लिए सांप जो सांप हैं उनके उनके जो बाइट्स होते हैं उनसे जो निदान पाने के लिए जो है इनकी पूजा की जाती है, सांपों का देवता इन्हें कहा जाता है। सर्पदंश से जो है छुटकारा पाने के लिए जो है लोग इनकी पूजा करते हैं। और जब हल जोता जाता है उस समय जो है हल और हाली को जो है गोगा राखी बांधी जाती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम रक्षाबंधन के दिन जो राखियाँ बांधते हैं उसको हम उतारते कब हैं, गोगा नवमी के दिन, ठीक है। गोगा जी की जब हम जोत लेते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करते समय सिर्फ इस तरीके से सांप बनाए जाते हैं दीवार पर, और फिर इनकी जोत ली जाती है और वहीं पर जो है राखियाँ अर्पित की जाती है, ठीक है। और पहले के समय में जो जो हल और हाली होते थे, यानी जो किसान होते थे, वो अपने हर हल और हाली को जो है ये राखी बांधा करते थे, जिससे कि जो उनकी सर्पदंश रक्षा हो सके, ठीक है। अब ये जाने क्यों जाते हैं, इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा इसलिए होती है कि पहले तो इन्होंने गौ रक्षार्थ यानी गायों की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट द काउस, मुस्लिम जो आक्रांताएँ हैं, यानी कि मुस्लिम आक्रांता था उस समय महमूद गजनवी, ठीक है, उससे जो है युद्ध किया था और अपने प्राण जो है निछावर किए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है इनकी पूजा की जाती है। अब देखिए इनके जो मंदिर होते हैं उनको कहते हैं थान कहते हैं, और जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, ठीक है। और सर्प की आकृति बना कर के जो है इनकी पूजा की जाती है। और इनकी जो घोड़ी होती, घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद ऐसे रखेंगे कि देखिए किसी को अगर सांप काटता है तो उसका चेहरे का रंग नीला हो जाता है, तो इसलिए इनकी घोड़ी का नाम भी क्या था, नीली घोड़ी। तो ये आप ध्यान रखें। और इनकी पूजा जो है भाला लिए योद्धा के रूप में जो है की जाती है, तो इसको भी आप में ध्यान में रखें। और इसमें एक चीज़ और है कि जो गोगा जी को जो जाहर पीर का नाम दिया गया है वो महमूद गजनवी ने दिया था। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, ठीक है, साक्षात देवता। तो ये जो नाम है उनको आपके जो है महमूद गजनवी जी ने जो है दिया था, तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आप देखिए पाबूजी, जो पाबूजी राठौड़ हैं उनको जो है लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है और ऊँटों के देवता जो है इनको कहा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखें।
कि इनका जो अदर नेम है वो क्या है, लक्ष्मण के अवतार हैं, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण एंड ऊँटों के देवता। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ और कहाँ हुआ, कोलूमंड में, जो कि फलोदी जोधपुर के अंदर स्थित है। आप देखिए जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा राठौड़ जो ये एक पर्टिकुलर राजपूतों में कास्ट होती है वो निवास करती है, तो उससे आप ध्यान रखें कि बाबूजी का जन्म जो है वो जोधपुर में हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इनके पिता का नाम था धांधल, माता थी कमला दे, और इन्होंने जो है गोरक्षार्थ जो है अपने प्राण निछावर किए थे। अब इन्होंने किस प्रकार से, देखिए इनकी एक स्टोरी है कि ये जो है अपने शादी के समय जो है केसर काल में जो एक घोड़ी का नाम था वो एक देवल चारणी थी, यानी चारण जाति की एक महिला थी देवल चारणी, उनसे जो है उनकी केसर काल में घोड़ी लेकर के आए थे और उनको वचन दे के आए थे कि उनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये ज़रूर हाजिर होंगे। तो जब इनका विवाह हो रहा था उस समय उनको पता चला कि इनके खुद के जो जो जीजा हैं वो जींदराव खींची जिनका नाम था वो जो है इसकी जो घोड़ी जो सॉरी उनकी जो गायें हैं देवल चारणी की उनको जो है जबरन जो है उनको ले आए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने जो है अपने प्राण न्योछावर किए थे। तो देचू गांव जो है वहाँ पर जो है इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। तो इसके बारे में ये कहानी है, इसको आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान में रखें कि मारवाड़, यानी कि जो मारवाड़ कौन सा रीजन है मैंने आपको बताया है, अगर आपको देखना हो तो आप सेकंड वाला वीडियो जो है राजस्थान जीके सीरीज़ का उसको आप ज़रूर से पढ़ें। तो आप देखिए कि मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय है, ऊँटों को जो है सांडे भी कहा जाता है, ठीक है, तो जो इनको लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं बाबूजी राठौड़ को जाता है। तो और ऊँटों को पालने वाली एक जाति है जिसका नाम है राइका या जिसको हम बोलते हैं रेबारी। तो राइका और जो रेबारी जाति के लोग हैं वो इनको बहुत ही आराध्य मानते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब देखिए इनका जो मंदिर होता है वहाँ पर केसर काल में घोड़ी और एक इनकी झुकी हुई पाग और भाला लिए योद्धा के रूप में जो है इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और जो आपका कोलूमंड में जो मंदिर है वहाँ पर चैत्र अमावस्या को जो है इनका मेला लगता है, तो ये चीज़ भी आप जो है ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए बाबूजी के जो पावड़े होते हैं, देखिए एक तो बाबूजी की पड़ होती है, पड़ आपको जानना चाहिए पड़ क्या होती है, एक कपड़े के ऊपर जो है लोक देवता की जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें होती है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है उनके संबंधित जो है चित्रित किए जाते हैं। और जो भोपे होते हैं, ठीक है, भोपे जो है आपके भीलवाड़ा इस साइड में जो है एक जाति है प्रजाति है उनको भोपा कहा जाता है, तो वो लोग जो है इनकी पड़ का वाचन करते हैं। जैसे हम तो पूजा करते हैं किसी भी भगवान की होते तो आरती गाते हैं या पूजा करते हैं, और भोपे वगैरह जो होते हैं लोक देवताओं के हमेशा पड़ का वाचन होता है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें। तो देखिए बाबू जी की जो पावड़े हैं उनको जो है माठ वाद्य के साथ में रेबारी जाति द्वारा जो है गाया जाता है, ठीक है। माठ एक वाद्य यंत्र है, इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके द्वारा जो है बाबूजी के पावड़े जो हैं रेबारी जाति द्वारा जो हैं वो गाए जाते हैं। अब देखिए बाबूजी की पड़ जो है वो आपके भोपे जो होते हैं वो रावण हत्ता नामक जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है रावण हत्ता, जिसको कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती हैं और इससे जो है इसको बजाया जाता है, तो उसके द्वारा जो है ये भोपे जो हैं बाबूजी की पड़ का वाचन करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। गुजरात में जो देखिए सात थोरी भाइयों की रक्षा इन्होंने की थी बाबूजी ने, और चांदा और डामा इनके सहयोगी कहे जाते हैं, और एक इनके बारे में बाबू प्रकाश लिखी हुई है जो कि आपके आशिया मोड़ जी ने लिखी है। तो ये इनके बारे में कई फैक्ट्स हो गए, ये इनका एक चित्र है आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये बाबू जी हैं और ये डेमोजी और चांदोजी हैं जो इनके अनुयायी थे, और ये भील थे, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं हड़बूजी साखला पे। देखिए हड़बूजी साखला जो है वो आपके साखला राजपूत थे, और उसके बाद में भुडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और बेंटी फलौदी में इनका जो है पूजा स्थल है, और पूजा जो है किस चीज़ की जाती है, हड़बूजी की गाड़ी की। हड़बूजी की गाड़ी क्या चीज़ है, इसमें ऐसा होता था कि हड़बूजी जो है अपने एक गाड़ी के अंदर जो है चारा भर के जो है गायों के लिए लेकर के आते थे, पंगू गायों की जो है ये सेवा किया करते थे, तो उनके लिए जो है ये गाड़ी में चारा भर के दूर दूर से लेकर के आते थे, तो उनकी जो इस गाड़ी की है वहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आखिरी जो लोक देवता है वो आपके हैं मेहाजी मांगलिया। इन्होंने जो है जैसलमेर के राव रंगदेव भाटी से युद्ध करके जो है ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, और भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को जो है इनका
पूजन किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इनका जन्म जो है इसी दिन हुआ था और इनकी जो पूजा है वो सांकला राजपूत करते हैं। और पापड़ी में जो है इनका मंदिर है और इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। तो इनके बारे में इतने ही फैक्ट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये गोगा जी की एक तस्वीर है, ये मैंने आपको उसमें ऊपर दिखाई नहीं, तो आप इसको देख लीजिए तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। ये देखिए ये इनकी घोड़ी है, नीली घोड़ी, और यहाँ पर जो है इनके गले में एक सर्प का जो है आकृति बनी हुई है। और ये जो है आपके हड़बू जी चौहान हैं, इनके बारे में भी अगर आप देखना चाहें तो। तो चलिए ये आपके 5 पीर हो चुके हैं, इनके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ये भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए तेजा जी, तेजा जी जो हैं वो आपके